पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सभी लोग सिंथिया का वेट कर रहे होते हैं और फिर 10 दिन बाद वो पोर्टल का यूज करके अपने साथ काफी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को लाती है, जिनमें चैंपियंस पॉल, अलान, प्रोफेसर कुकुई, टोबियास एंड और भी काफी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स शामिल होते हैं। ब्रॉक थर्ड क्वेस्ट के लिए मैप बाहर निकालता है, जहां पर उसको पता चलता है कि अगर वो पैदल अगले टाउन में जाएंगे तो उनको 20 डेज लगने वाले हैं, इसीलिए वो लोग ट्रेन का यूज करते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि ट्रेन ज्यादातर खाली थी और वहां पर काफी सारे मिस्टीरियस लोग थे। अब आगे तभी वहां पर कंडक्टर आता है जिसकी एज काफी ज्यादा थी एंड उसकी आंखें ग्लो कर रही थी, वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। वो ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सेना सबको एक एक टिकट देता है और बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। अंदर से ट्रेन काफी विंटेज दिख रही थी, यहाँ के जो लैंप्स थे वो भी सही नहीं थे, वो बंद चालू हो रहे थे। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, बट ये ज्यादा देर तक नहीं होता। ऐश और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, मिस्ट्री बोलती है कि अच्छा वह हमें ये ट्रेन मिल गई वरना हमें लेट हो सकता था। तभी ट्रेन में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग विंडो में देखते हैं और उनको पता चलता है कि ट्रेन एक टनल के थ्रू पास हो रही है, जिसके बाद सभी लोग वापस से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ टाइम बाद सबको अजीब सा फील होता है क्योंकि ये टनल खत्म ही नहीं हो रही थी। ट्रेन के अंदर अंधेरा था, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ट्रेन की विंडो भी जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स को बाहर का व्यू नहीं दिख रहा था। सेना नोटिस करती है कि उसका पॉकी गियर, जो कि हमेशा चीयरफुल ट्यून्स देता था, वो अब स्कैरी म्यूजिक बजा रहा है। ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड वो बहुत ज्यादा हिल भी रही थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लैंप पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मानो कि ये सब उनके लिए नॉर्मल हो। वो लोग एक अलग लैंग्वेज में बात भी कर रहे थे, जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझ में नहीं आती है। ऐश को एक आवाज सुनाई देती है, उसको लगता है कि ट्रेन की तरफ कोई आ रहा है और तभी ट्रेन के दरवाजे टूट जाते हैं। वहां पर एक परछाई दिखती है। इससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स रिएक्ट कर पाते, ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है, जिससे नॉर्मली ऐश और उसके फ्रेंड्स को सेफ फील होना चाहिए था। बट अब ट्रेन एक काफी ज्यादा अजीब जगह पर आ चुकी थी, जहां पर फॉग होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ट्रेन एक ओशन के ऊपर फ्लोट कर रही है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। तभी लैंप्स वापस से बंद चालू होना स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी पैसेंजर वहां पर बैठे हुए थे वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं, इवन कंडक्टर भी वहां पर नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि हम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, हमें ट्रेन से बाहर निकलना होगा। मिस्ट्री बोलती है बट कैसे, हम ट्रेन से जंप भी नहीं कर सकते। ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट हम ट्रेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे शायद हमें हेल्प मिले। ब्रॉक की बात मानकर सभी लोग ट्रेन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग बच पाए। तभी सेना बोलती है कि ब्रॉक यहाँ पर देखो, मुझे कुछ मिला है। ब्रॉक जल्दी से वहां पर आता है और उसको देखने को मिलता है कि वहां पर एक हिडन कंपार्टमेंट था, जिसके अंदर एंशियंट आर्टिफैक्ट्स और काफी ज्यादा अजीब मैप थे, जो कि बहुत ज्यादा पुराने दिख रहे थे। इनके ऊपर धूल भी जमी हुई थी। ऐश बोलता है लगता है ये एटोनो रीजन का मैप हो सकता है। ब्रॉक उस मैप को निकालता है और काफी देर तक देखता है, जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि ये कोई एटोनो रीजन का मैप नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में ट्रेन का ट्रैवल पाथ है एंड यहाँ पर ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन भी दी गई है। ब्रॉक अपना ओरिजिनल एटोनो रीजन का मैप बाहर निकालता है एंड उसको एटोनो रीजन के मैप से कंपेयर करता है। ब्रॉक को पता चलता है कि ट्रेन की जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो एटोनो रीजन या फिर इस पोकेमोन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि ट्रेन एक अननोन लोकेशन पे जा रही थी। जैसे ये बात सेना, मिस्टी और ऐश को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इस ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए था, हमें पैदल ही चले जाना चाहिए था। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, बट अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें इस ट्रेन में ही बैठना होगा और इंतजार करना होगा कि ये ट्रेन हमें कहाँ पर लेकर जाती है। ये ट्रेन जर्नी ऐश और उसके फ्रेंड्स के लिए टाइम के अगेंस्ट रेस बन चुकी थी। वो लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन को कैसे रोका जाए या फिर एटलीस्ट पता चल सके कि ये ट्रेन उनको कहाँ पर लेकर जा रही है। एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा टेंस होते जाता है। ट्रेन ऐसी जगह पर चल रही थी जहाँ पर लॉजिकली रियल वर्ल्ड में चलना इम्पॉसिबल है। ट्रेन अब हवा में बादलों की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को भी बाहर निकालता है एंड उसके पोकेमॉन भी कुछ करने का ट्राई करते हैं, बट कोई भी बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि वो इस ट्रेन में ट्रैप हो चुके थे। ट्रेन बादल के पास आ जाती है और तभी पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स एक मिस्टीरियस स्टेशन पर बेहोश पड़े हुए थे। जैसे ही वो उठते हैं उनको देखने को मिलता है कि वहां पर एक काफी ज्यादा पुराना बोर्ड था एंड वहां पर किसी टाउन का नाम लिखा हुआ था, जो कि सही से दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से ब्रॉक फिगर आउट कर लेता है कि यहां पर किस टाउन का नाम लिखा हुआ था, वो था एवरशेड टाउन। ये पूरा का पूरा स्टेशन खाली था, यहाँ पर कोई भी पोकेमोन ट्रेनर या फिर पैसेंजर नहीं था जो कि ट्रेन में चढ़ना चाहता था। ये स्टेशन पूरी तरह से फॉग से भरा हुआ था और यहाँ पर जितने भी लाइट्स थी वो बंद चालू हो रही थी। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो ट्रेन अभी भी स्टेशन पे खड़ी हुई थी एंड उसके गेट खुले हुए थे। उस ट्रेन का कंडक्टर वहां पर आता है और बोलता है कि तुम लोग स्टेशन पर क्या कर रहे हो, वहां पर खतरा हो सकता है, जल्दी से ट्रेन के अंदर आ जाओ। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता था कि ये ट्रेन किस तरह की है, वो बहुत ज्यादा बड़े खतरे से फाइनली बाहर आ चुके थे एंड अब वो वापस उसके अंदर नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए वो कंडक्टर को इग्नोर करते हैं। बट कंडक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है उनको वापस ट्रेन के अंदर लाने की।
बट कोई भी कंडक्टर की बात नहीं सुनता है और तभी वो ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सेरेना सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। ये उनके जर्नी की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल राइड थी एंड वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी में इसको नहीं भुला पाएंगे। बट अभी तक वो लोग इससे बाहर नहीं निकले थे जिस स्टेशन पे वो लोग खड़े थे, उसका उनको कोई भी आइडिया नहीं था। ये स्टेशन बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और धीरे धीरे कर ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, एक मिनट, मुझे अपने मैप में चेक करना चाहिए कि ये जगह एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं इस वर्ल्ड में। मैप को काफी देर तक एनालाइज करने के बाद ब्रॉक को पता चलता है कि वो एक्चुअली में सही जगह पर आ चुके थे। एवरशेड टाउन वही जगह थी जहां पर थर्ड क्वेस्ट होने वाला था। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सेरेना और ब्रॉक सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा स्कैरी ट्रेन होने के बाद भी हम एक्चुअली में सही जगह पर आ चुके हैं। ब्रॉक बोलता है, हाँ हो सकता है कि ये टाउन ही बहुत ज्यादा स्कैरी और बाकी टाउन से अलग हो, इसलिए इसमें एंट्री भी ऐसी थी। सेरेना बोलते हैं, बिल्कुल हम सही जगह पर तो आ चुके हैं, बट यहाँ पर एक अजीब चीज ये है कि हमें आसपास कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फॉग भी बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सभी लोग आगे बढ़ते हुए फाइनली स्टेशन के एंड पर आ जाते हैं और वहां से उतरते हैं और फाइनली उनको एक टाउन देखने को मिल जाता है, जिसके बाद सबको सुकून मिलता है। बट ये टाउन थोड़ा सा अजीब था, ये टाउन बहुत ही ज्यादा शांत है एंड यहाँ पर किसी भी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि बाकी टाउन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस टाउन के बीच में एक रोड था एंड उसके साइड में काफी सारे घर लाइन बाय लाइन लगे हुए थे एंड वो घर बहुत ज्यादा पुराने दिख रहे थे। सेरेना बोलती है कि मुझे इन घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर इनके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। काफी टाइम हो जाता है, ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहते हैं बट ये सारे घर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे के सारे घर बिल्कुल सेम थे। मिस्ट्री बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लूप में फंस चुके हैं, हम कितना भी चल रहे घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जा रहे हैं और हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट शायद ये वहम हो सकता है, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। पर जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो एक्चुअली में एक लूप में फंस चुके थे एंड वही घर रिपीट होते जा रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो ये एक बेवकूफी होगी और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होने वाली है, हमें आसपास के किसी घर में जाकर देखना होगा। ब्रॉक की बात मानते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स एक घर में जाकर नॉक करते हैं, पर लगातार नॉक करने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आता है। इसके बाद वो दूसरे घर में जाकर नॉक करते हैं पर वहां पर भी कोई बाहर नहीं निकलता। इसी तरह से वो लोग एक एक करके सारे घर को नॉक करते हैं, सारे घर के रिजल्ट बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था और सभी लोग की एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, वो लोग हार मानने वाले थे। तभी ऐश बोलता है कि शायद हमें लास्ट घर को नॉक कर लेना चाहिए, शायद वहां से कोई इंसान बाहर आ जाए।